मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर हाजिर हैं अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में। उस प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दीन। मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन अपने इस प्यारे से प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन से हम बहुत सारी मालूमात सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे पहले सेगमेंट से हम हदीस पाक को याद करते हैं, उसके तर्जमे को याद करते हैं, और इंशाल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें भी सीखते हैं और सहाबा की करामात भी सुनते हैं और फिर कलाम भी सुनते हैं। हमारे साथ अहसान भाई मौजूद हैं, अहसान भाई से इंशाल्लाह कलाम भी सुनेंगे और इस्लामिक हिस्ट्री इंशाल्लाह ये भी हम अपने सेगमेंट शामिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत दी है। बस कयामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके वालिद का नाम पेश करता है, कहता है फ़ुला बिन फ़ुला ने आप पर इस वक्त दुरूद पाक पढ़ा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन अब एक सवाल भी देना है किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन को, और वो सवाल है सूरह शिफा किस सूरत को कहा जाता है, सूरह शिफा किस सूरत को कहा जाता है, सूरह शिफा किस सूरत को कहा जाता है। यहाँ पर किस किस को पता है कि सूरह शिफा किस सूरत को कहते हैं? जी हमारे अहसान भाई को पता है, और बाकिर भाई को भी पता है, इसके अलावा मुदस्सिर भाई, मुजम्मिल भाई, इरफान भाई, सूरह शिफा किस सूरत को कहा जाता है मेरा सवाल है। चले आपको एक हिंट देते हैं, कुरान पाक का पहला पारा है, उसकी पहली सूरत कौन सी है? सूरह बकरा से पहले कौन सी सूरत है? जी सूरह फातिहा को सूरह शिफा कहा जाता है, सूरह फातिहा सूरह शिफा इसका दूसरा नाम है। तो प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन आइए अब अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और अपने पहले मरहले पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन हमारा सेगमेंट है एक प्यारी हदीस हमारा सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट में मैं आपको हदीस पाक याद कराऊंगा। यहाँ पर जो मौजूद बच्चे उन्होंने हदीस पाक को याद करना है और उसके तर्जमे को याद करना है। जो पहले हदीस पाक याद कर लेगा वो बनेगा ज़हीन बच्चा। जी तो आज कौन बनने वाला है ज़हीन बच्चा? मुजम्मिल भाई बनने वाले हैं, मुदस्सिर भाई और बाकिर भाई, इरफान भाई बनने वाले हैं। माशाअल्लाह पहले हदीस पाक को याद करना पड़ेगा फिर ही ज़हीन बच्चे का फैसला होगा। तो आइए देखते हैं कि आज की हदीस पाक कौन सी है। जी कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल अजवतु मिनल जन्नती। हदीस पाक दोबारा पढ़ देता हूँ, अल अजवतु मिनल जन्नती। जो किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन है वो इस हदीस पाक की पिक्चर ले लें ताकि आपके लिए आसानी रहे जब आप लिखने के लिए बैठे हैं। अल अजवतु मिनल जन्नती अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। अजवा कुजूर जन्नत से है माशा अल्लाह। तो आइए पहले इसको अरबी में याद करते हैं, अल अजवतु 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 मिनल जन्नति मिनल जन्नति मिनल जन्नति मिनल जन्नति मिनल जन्नति मिनल जन्नति। जी मुद्दसिर भाई, قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاجوته من الجنه। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल अजवतु मिनल जन्नती। अभी सिर्फ अरबी में हदीस पाक सुनानी है। जी मुजम्मिल भाई, माशाअल्लाह अल अजवतु मिनल जन्नती। बाकिर भाई,
माशा अल्लाह इरफान भाई। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجود من الجنه। माशा अल्लाह इरफान भाई ने भी सुना दिया। बाकर भाई से दोबारा लेते माइक दीजिए। बाकर الاجود من الجنه। माशाल्लाह अल अजवतु मिनल जन्नती। माशाल्लाह अरबी में हदीस पाक याद हो गई। अब तर्जमे को याद करते हैं, तर्जमे की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अजवा खजूर जन्नत से है। 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 माशाल्लाह तीन दफा पढ़ा दिया है जी। बाकिर भाई से सुनते हैं। अजवा खजूर जन्नत से है। दोबारा माइक। अजवा खजूर जन्नत से है। माशाल्लाह हमारे बाकिर भाई ने सुनाई, लेकिन तर्जुमा कुछ थोड़ा सा अपना कर लिया इन्होंने। और अरबी सुनाई है नहीं सुनाई? अरबी सुनाई थी। अरबी सुनाई है माशाल्लाह। चले फिर आगे सुन लेते जी। हमारे प्यारे का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, अजवा खजूर जन्नत से है। माशाल्लाह जबरदस्त जी। इरफान भाई। अजवा खजूर जन्नत से है। अजवा खजूर जन्नत से है। मुज़म्मिल भाई। हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजवा खजूर जन्नत से है। जी माशाल्लाह अजवा खजूर जन्नत से है। माशाल्लाह अरबी में भी हदीस पाक याद हो गई और उर्दू में इसका तर्जमा भी याद हो गया है। माशाल्लाह तो आज निहाल भाई चारों ने याद कर लिया है। चारों को सही। तो फिर चार सही बच्चे बनाए आपने माशाल्लाह। चारों ने याद कर लिया अजवा खजूर। अच्छा भाई अजवा खजूर क्या होती है? क्या हो चाहिए इसका कौन जवाब देगा? अब पता चलेगा ना सही मानों में जहीन बच्चा। ठीक है तो एक होता है याद कर लेना, और याद करने में बाज़ वक़्त रट्टा भी लगा लेते हैं। रट्टा कैसे लगाते हैं इरफान भाई? रट्टा लगाना आता है? नहीं आता। मुस्कुरा रहे हैं। किसे पता रट्टा? रट्टा ही नहीं पता। ये निहाल भाई को लगता मुझे बताना पड़ेगा। हैं भाई क्या होता है रट्टा भाई? वो होता है ना बस जब एग्जाम होना होता है एक दिन पहले यूँ जब सामने कॉपी रखते हैं और हिल हिल के झूम झूम के जल्दी से जहन में बिठा लेते हैं बस किसी ना किसी तरीके से। और वो सिर्फ इतनी देर के लिए बैठता है कि जब पेपर होता है बस जब लिखते हैं उसके बाद मुदस्सिर भाई फिर कहाँ जाता है? फिर भूल जाता है, फिर जहन में ही नहीं होता। तो रट्टा नहीं लगाना होता, असल में समझना होता है। समझना ठीक काम है। ठीक है जी। रट्टा खैर हो जाता है किसी किसी टाइम, तो समझना चाहिए। तो समझ जहन जहानत ये असल पता चलता है कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितना आपका जहन चलता है। तो अब हमने आपसे पूछा ये अजवा खजूर क्या है, तो ये कौन बताएगा जी? अजवा खजूर मुदस्सिर भाई, इरफान भाई, कोई से भाई कोई नहीं बता रहे। चले भाई ये होती है एक मखसूस किस्म की खजूर। क्या होती है? एक मखसूस किस्म की खजूर होती है। मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं खजूरों की भी। क्या होती हैं? मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो इसमें से ये अजवा खजूर भी एक ख़ास किस्म होती है मदीने पाक की, बड़ी ज़बरदस्त अजवा खजूर हुआ करती है। तो अल्लाह पाक हमें भी खाना नसीब करें माशाल्लाह। तो इस सवाल का जवाब तो नहीं आया, अब क्या करें? और चले जी ऐसा करते पहले तस्वीरों की तरफ चलते हैं, फिर इतनी देर कुछ सोच लेते हैं, फिर देखते हैं तस्वीरें। देखें हदीस मुबारक फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल बिर्रु ला यबला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, नेकी पुरानी नहीं होती। नेकी पुरानी नहीं होती। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आपने लिखा है। लाहौर से पिक्चर आई है ज़हरा अत्तारिया। माशाअल्लाह मेरा प्यारा दीन अल हजरुल अस्वदु मिनल जन्नती। इसका तर्जमा है हजरे अस्वद जन्नत से आया है। हजरे अस्वद जन्नत से आया है। यूपी हिंद से पिक्चर आई है, बतूल नाम है। माशाअल्लाह नेक्स्ट। माशाअल्लाह हदीस पाक फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अफ़दलुल आमाली ला इलाहा इल्लाहु व अफ़दलुद दुआई अल इस्तिग़फ़ारु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, सबसे फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह, और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। माशाअल्लाह ज़हरा बतूल अत्तारिया लाहौर। नेक्स्ट। माशाअल्लाह क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इत्तक़िल्लाहा हैसुमा कुंता। इत्तक़िल्लाहा हैसुमा कुंता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, तुम जहाँ भी हो अल्लाह पाक से डरते रहो। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आपने लिखा है, लेकिन नाम नहीं लिखा, शहर का नाम भी
नहीं लिखा, लेकिन माशाल्लाह अच्छे अंदाज में आपने लिखा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारे प्यारे अंदाज से हदीस मुबारक लिख कर भेजते हैं और खूबसूरत अंदाज से उसके इर्द गिर्द डिज़ाइनिंग भी करते हैं और पिक्चर ऑफ द डे भी हुआ करती है। आज कौन है जी पिक्चर ऑफ द डे? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़हरा बतूल अत्तारिया लाहौर से आज की आपकी पिक्चर पिक्चर ऑफ द डे है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं इनमें ज़हीन बच्चे का फैसला होने के लिए एक सवाल में दे रहा हूँ, देखते हैं सवाल का जवाब कौन देता है। जहनों को तैयार कर लीजिए, तैयार हैं? आवाज़ भी नहीं आ रही कुछ, कैसे तैयार हैं? तैयार हैं जी। अच्छा जी, चले ये बताएं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक खजूर बड़ी पसंद करते थे, उस खजूर का नाम क्या है? ज़हन चलाना है, इशारा साफ मौजूद है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। जी मुज़म्मिल भाई, अजवा खजूर। जी बाकिर भाई, अजवा खजूर। कौन सी? अजवा खजूर। अजवा खजूर, सोच लें एक मरतबा फिर। जी क्या कहते हैं मुज़म्मिल भाई, फिर सोच लें। और भी खजूरें होती हैं, अंबर भी होती है, और भी मुख्तलिफ खजूरें होती हैं। जी आप क्या कहते हैं मुदस? जी इरफान भाई कुछ नहीं कहते। इरफान भाई, मुज़म्मिल भाई अभी भी वक्त है, चेंज कर सकते हैं आप। अंबर भी एक खजूर। जी आखिरी फैसला आपका। और बाकिर भाई आपका अजवा खजूर यही कहेंगे? जल्दी जल्दी, टाइम सारा आपके प्रोग्राम क्या आपको देखने में गुजार दें, क्या करें, जल्दी से बाय। जी बाय। ये इन्होंने बदल दिया, अंबर कर दिया। आप अंबर? अंबर, सब ने अंबर कर दिया। देख लें बाकी भाई, अजवा भी हो सकती है। जल्दी जल्दी जल्दी, इरफान भाई, इरफान भाई अजवा, अजवा। इरफान भाई का फैसला अजवा। और आज के सही बच्चे हमारे इरफान भाई हैं। भाई देखे ना, ये तो प्रेशर में आपने बदल दिया ना, पहले आप सब अजवा अजवा बोले, उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा आपको घुमाया तो आप घूम गए। इरफान भाई ने पहली दफा में कुछ भी नहीं बोला, आराम से बैठे रहे, सोचते रहो, फिर आखिर में इन्होंने क्या कहा? अजवा। और अजवा खजूर ही एक खजूर वो है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। इसके अलावा और खजूरें भी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो अभी हमारे पास मौजूद है वो ये है कि अजवा खजूर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। और इरफान भाई का जवाब दुरुस्त है। तो एक दफ़ा जब कोई फैसला ले ले तो कॉन्फिडेंस के साथ, जब तक कोई ख़ास वजह ना हो तो हमें चेंज नहीं करना चाहिए। चले ये भी आज हमें सीखने को मिला। और अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं निहाल भाई, और नेक्स्ट सेगमेंट हमारा कलाम है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी कलाम हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है, और कलाम हम सुनते हैं और सुनकर क्या करते हैं इरफान भाई ये बताएं हमें, कलाम कैसे सुनना चाहिए? माइक है आपके पास? अच्छा हाथ में। जी कलाम कैसे सुनना चाहिए? झूम झूम के। झूम झूम के। और अगर रोने वाला कलाम हो फिर उसमें भी झूमने लगे। कलाम होते हैं ना मुख्तलिफ अंदाज के होते हैं, अब रबी अव्वल का मौका है तो सरकार की आमद मरहबा झूम झूम के नारे लगा रहे होते हैं, और कभी कलाम ऐसा होता है जो पुरसोज होता है तो वहाँ क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बताना, माइक नीचे रख के आराम से बैठ जाते हैं, आराम से फैसला करते हैं। खैर अच्छी बात है, फैसला लें, आराम से लें और सही लें। जी चलें मुदस्सिर भाई, कैसे सुनना चाहिए कलाम? इधर उधर देखते हुए आराम से, वो पढ़ रहा, हम अपना थोड़ा आराम कर लें इतनी देर। हैं क्या करना चाहिए? मुस्कुरा रहे हैं, मेरा ख्याल है बड़े भाई बताएंगे। भाई माइक दे दें, भी पहले हसन भाई हम यहाँ फैसला करा लेंगे कलाम कैसे पढ़ना है, ताकि आपसे माशाल्लाह हमने कलाम सुनना है। क्या करना चाहिए कलाम सुनते हुए, नात सुनते हुए, हम सुनते हुए, मनकबस सुनते हुए? झूम झूम के साथ, झूम झूमने के साथ पढ़नी, झूम झूम के साथ पढ़नी चाहिए। चले जी, झूमने का हो तो झूमे, और रोने का हो तो कोशिश करें, रोना आए रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बनाए, अच्छों की नीयत का, अच्छों की नकल की नीयत का इरादा करें, और हमें तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। और जब कलाम सुन ले तो क्या कहना चाहिए? और जो है उसमें तवज्जो रखे, उनके साथ साथ पढ़े, कोशिश करे, कर हो सके और ना हो सके तब भी जो है वो इधर उधर देखना बस, क्यों बेचारा वो जो पढ़ने वाला है वो बोले यार ये लोग क्या हो गया। तो माशाल्लाह हसन भाई हमारे साथ मौजूद है, खैरियत से हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़े दिनों बाद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज क्या सुना रहे हैं आप हमें?
मेरे प्यारे आका की शान ही निराली। सुभान अल्लाह, मेरे प्यारे आका की शान ही निराली है। इंशाल्लाह सुनेंगे। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल में से एक महकते फूल हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका उर्स भी है 15 रजबुल मुरज्जब, इंशाल्लाह उनकी मनकबत भी सुनाएंगे। हम आका से भी मोहब्बत करते हैं और आका की आल से भी मोहब्बत करते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे सान भाई सुनाएंगे, हम सुनेंगे और हो सका तो मिलकर भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलें। मेरे प्यारे आका की, मेरे प्यारे आका की शान ही निराली है। मेरे प्यारे आका की, मेरे प्यारे आका की शान ही निराली है। दो जगह के दाता है, दो जगह के दाता है, सारा जग सवाली के दादा है। मेरे आका दो जगह के दादा है, सारा जग सवाली है। दो जगह के दादा है, दो जगह के दादा है, सारा जग सवाली है। और चांदी की तरह उनको हम कहे तो मुजरिम है, चांद की तरह उनको हम कहे तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पर, चौखट पर, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। खेलते थे इसलिए बचपन में आका चांद से, क्योंकि वो सरापा नूर है और ये खिलौना नूर का, वो सरापा नूर है ये खिलौना नूर का। चांद चुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्योंकि उनकी चौखट पर, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। दो जगह के दाता है मुहम्मद, दो जगह के दाता है, सारा जग सवाली है। और हर तरफ मदीने फकीरों की, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, और एक देने वाला है, एक देने जगह सवाली है, एक देने वाला है, एक देने वाला है, मुरादें मिल
रही है, शाद शाद उनका सुमाली है, सबों पर इल्तिजा है, हाथ पे रोजे की जानी है, लबों पर इल्तिजा है, हाथ पे रोजे की जानी है, निकाला कब किसी को बस मैं फैज़े आम से तुमने, निकाला कब किसी को बस मैं फैज़े आम से तुमने, निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है, निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली है, मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो, उनके करम की बात न पूछो, उनके करम की बात न पूछो, इतना तैना कर गाँव सर सारी कसरत पाते हैं, सारी कसरत पाते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा 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 मीठा मीठा पीते हम पिलाते हैं, पीते हम पिलाते हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े, माँ जब इकलौते को छोड़े, आ कह के बुलाते हैं, बाप जगा बेटे से भागे, बाप जगा बेटे से भागे, लुत्फ वहाँ फरमाते हैं, लुत्फ वहाँ फरमाते हैं, लुत्फ वहाँ फरमाते हैं, रब है मौत 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 ये है कासिम, रिज़्क उसका है खिलाते ये है, एक देने वाला है, सुबाली है एक देने वाला है, मेरे आका एक देने वाला है, कुल जगह सुबाली है, जाओ महकी महकी है, धूप ठंडी ठंडी है, शहर मुस्तफा तेरी, शहर मुस्तफा तेरी, बात निराली है, शहर मुस्तफा तेरी, बात निराली है, मदीना 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 मदीना, हमारा मदीना हमें जानो दिल से प्यारा मदीना, हमें जानो दिल से प्यारा मदीना, सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, सुहाना सुहाना दिलारा मदीना, आशिकियां को कतारा मदीना, आशिकियां को कतारा मदीना, पहाड़ों पे भी उसने कांटे भी दिल कश, पहाड़ों पे भी उसने कांटे भी दिल कश, कुदरत कैसा सवार मदीना है, कुदरत कैसा सवार मदीना, हकीकत की जब नाजुकी देखता मुझे याद आते खार मदीन, मुझे याद आते खार मदीन, खुदा कर कयामत पर मां को खुदा कर कयामत पर मां, लगाएंगे दीवान नारा मदीन, लगाएंगे दीवान नारा मदीन, लगाएंगे दीवान नारा मदीना, मदीना 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 मदीना, कहा कोई रोता है जन्नत की खातिर, अरे रुलाती है आशिक को यादे मदीना, शहर मुस्तफा तेरी, बात ही निराली है, शहर मुस्तफा तेरी, हाँ हाँ शहर मुस्तफा तेरी, बात ही निराली है, मेरे प्यारे आका की
गिरानी है। दो जगह के दाता है सारा जग जग सुहानी माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारे हसन भाई को सलामत रखे, इनकी आवाज़ भी सलामत रहे, इन्हें फैज़ हसन से मज़ीद हिस्सा अता फरमाए। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे अकलिसलातुवस्सलाम के नात ख़ान साहबी थे, आप खुद नाते पढ़ते थे, प्यारे अकलिसलातुवस्सलाम उनकी नातों को सुना करते थे। तो अल्लाह पाक उनका फैज़ान आपको मज़ीद अता फ़रमाए। और बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिनके दिल नाते सुनकर झूम उठते हैं। जी नात सुनकर जिनके दिल झूम उठते हैं, खुश होते हैं और बेसाख्ता कहते हैं सुभानअल्लाह। कहलाना नहीं पड़ता, नात तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, उनकी तारीफ़ बयान की जाती है, मदीने को याद किया जाता है। हसन भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज से याद मदीना भी करवाई। अल्लाह पाक हमें बार बार मदीने पाक की हाज़िरी अता फ़रमाए। और इंशाल्लाह कुछ कॉल्स भी शामिल करेंगे और फिर अभी जो है वो मनकबत की तरफ भी हम आएंगे, इंशाल्लाह मनकबत भी सुननी है माशाअल्लाह। तो कॉल्स शामिल करते हैं। मेरा नाम शाह जमानत तारी है, माशाअल्लाह कर रहा हूँ जी। मैं प्यार प्यार नियाज भाई और मैं प्यार प्यार वकार भाई, आपके सवाल का जवाब है कि सूरह फातिहा भेजा है जन्नत से सुभानअल्लाह, काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जवाब अल्लाहु खैरा आमीन। क्या बात है हमारे शाहजमान भाई की, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अब इन्होंने तहिया कर लिया कि ये कलाम सुनाएंगे, काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और आज क्या शेर सुनाया इन्होंने, क्या शेर सुना? हाँ ये शेर सुना देगा हसन भाई शायद। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको खुद मुस्तफा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, संगे हसवद तेरा मुकद्दर है, अजरे हसवद तेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और हदीस पाक भी हमने याद की थी, कल याद की थी, परसों याद की थी, क्या हदीस पाक थी? अल हजरुल जी मुजम्मिल भाई आला सुल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हजरुल अस्वद मिनल जन्नति, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, आलिशान है, हजरे अस्वद जन्नत से है सुभान अल्लाह। तो उसी हजरे अस्वद का इस कलाम में जिक्र भी आ गया जी। नेक्स्ट कॉल। मैं हूं फातिमा माशाअल्लाह मिंचिनाबाद से, मैं आज आपको हदीस मुबारक सुनाऊंगी। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन समाता में जा जो चुप पर उसमें निजात पाई, क्या बात है, मदीना लगा रहेगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह जबरदस्त जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अबू है, मैं शारजा से बात कर रहा हूँ, आज के सवाल का जवाब है सूरह फातिहा माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ माशाअल्लाह कौन सा शरीफ से, हमने पहले बता दिया। आपके सवाल का जवाब ये है सूरह फातिहा, हम अल मन का बात अभी सुनाएंगे।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। अल्लाह पाक आप दोनों भाइयों को सलामत रखे। और अब ऐसा करते हैं निहाल भाई के सेगमेंट की तरफ चलते और फिर इंशाल्लाह मौका मिला कॉल्स भी शामिल करेंगे, फिर मनकबत भी सुननी है, हो सकता है आज हमारा सेगमेंट रह जाए। चले जी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं हमारे। जी मेरे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है दीन की हरी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अरे बच्चों हमारा सेगमेंट है दीन की। जी हाँ, दीन की प्यारी बातें हमारा सेगमेंट है और अपने दीन दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें हम इस सेगमेंट में सुनते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, दीन की प्यारी प्यारी बातों में से एक प्यारी बात यह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ करनी चाहिए। प्यारे बच्चों जिस तरह दूसरी चीज़ों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम जिस तरह दूसरी चीज़ों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे इम्तिहान में पोजीशन लेने के लिए इसी तरह क्लास में फर्स्ट आने के लिए मेहनत करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, मेहनत भी करते हैं और अच्छा भी पढ़ते हैं, इसी तरह हमें नेकियाँ करने में भी मेहनत करनी चाहिए, नेकियाँ करने में भी मेहनत करनी चाहिए, नेकियाँ करने में भी दूसरों से आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों से आगे बढ़ना चाहिए नेकियाँ करने में भी। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ करनी चाहिए, हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, नेकियाँ करनी चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। जी हाँ, जिस तरह हम दूसरे कामों में दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसी तरह हमने नेकियों में, अच्छे कामों में, सवाब के कामों में दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जी बाकर भाई क्या सुना आज हमने? कुछ नहीं सुना। सुना क्या? सुना कुछ नहीं। मुस्कुराना, मुस्कुराना चाहिए, बताया। जी इरफान भाई क्या सुना? निहाल भाई क्या बता रहे थे? क्या ऐसे खामोश बैठे हुए? नहीं नहीं, आवाज़ तो आ रही थी निहाल भाई की, बोल रहे थे। कुछ बोला था भाई? क्या बोला था? नहीं बताना। अच्छा, ऐसा तो नहीं कहीं इन्होंने सुनाया हो पर आपने सुना ही ना हो, ऊपर ऊपर से जा रहा हो, आप कहीं और ख्यालों में खोए, ऐसा तो नहीं था या बताना नहीं चाह रहे? चले भाई मुजम्मिल भाई, मुदस्सिर भाई से पूछ लेते हैं। जी क्या बताया? ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है? नेकियां करनी है। और नेकियों में से एक काम ये भी है कि नेकियों की बात सुनना भी चाहिए, ये भी एक नेकी है, समझ आई? क्योंकि अगर सुनेंगे नहीं तो फिर करेंगे कहाँ से? तो अच्छी अच्छी जब बातें बताई जा रही हो तो तवज्जो से सुननी चाहिए। जी तो अब चलते हैं हम अपने हसान भाई की तरफ और उनसे सुनते हैं हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक मनकबत। الحبيب صلى الله عليه وسلم حضرت امام جعفر 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 نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را میں مرید ہوں تمہارا نظر کرم خدا را کرم سے ہم پر امام جعفر کرم سے ہم پر امام جعفر کرم سے ہم پر امام جعفر ایسا یا گستر امام جعفر ایسا یا گستر امام جعفر ہمیں ہو کیوں کر امام جعفر ہمیں ہو کیوں کر امام جعفر عدو کا اب ڈر امام جعفر عدو کا اب ڈر امام جعفر سخا کے پہ کر امام جعفر سخا کے پہ کر امام جعفر غریب پرور امام جعفر غریب پرور امام جعفر حیا کے پہ کر امام جعفر حیا کے پہ کر امام جعفر حیا کے پہ کر امام جعفر ہمارے رہبر امام جعفر ہمارے رہبر امام جعفر تو دور دلبر امام جعفر غم و علم کر غم و علم کر امام جعفر غم و علم کر امام جعفر ملت کے رہنما ہیں حضرت امام جعفر ملت کے رہنما ہیں حضرت امام جعفر حضرت امام جعفر سردار اولیاء ہیں سردار اولیاء
सरदार औलिया है हजरत इमाम जाफर सरदार औलिया है हजरत इमाम जाफर 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 कौन है इनकी बुलंदी है इनके नक्शे पावे है इनके नक्शे पावे कौन है इनकी बुलंदी है इनके नक्शे पावे है इनके नक्शे पावे महबूबे मुस्तफा गए महबूबे मुस्तफा गए हजरत इमाम जाफर महबूबे मुस्तफा गए हजरत इमाम जाफर 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 सीना बसीना पहुँची हसनैन की विरासत सीना बसीना पहुँची हसनैन की विरासत फर्जंद मुर्तजा है हजरत इमाम जाफर कूंडे का ये तबर्रुक हिलता वो चाफिजा है हिलता वो चाफिजा है कूंडे का ये तबर्रुक हिलता वो चाफिजा हजरत इमाम जाफर 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 चरम से हम पर इमाम जाफर चरम से हम पर इमाम जाफर जैसा गुस्तर इमाम जाफर ऐसा गुस्तर इमाम जाफर हमें हो क्यों कर इमाम जाफर हमें हो क्यों कर इमाम जाफर अदू का अब डर इमाम जाफर अदू का अब डर इमाम जाफर सखा के पैकर इमाम जाफर सखा के पैकर इमाम जाफर गरीब परवर इमाम जाफर छया के पैकर इमाम जाफर छया के पैकर इमाम जाफर हमारे रहबर इमाम जाफर हमारे रहबर इमाम जाफर तू दूर दिलबर इमाम जाफर तू दूर दिलबर इमाम जाफर गमो अलम कर इमाम जाफर गमो अलम कर इमाम जाफर गमो अलम कर इमाम जाफर नजरे करम खुदारा नजरे करम खुदारा मैं मुरीद हूँ तुम्हारा नजरे करो खुदारा नजरे करम खुदारा नजरे करम खुदारा नजरे करम खुदारा बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया आ गया।